जी जुबैर हसन साहब। हेलो हेलो। जुबैर साहब सो तो नहीं गए? अरे नहीं, साहब कोई आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है, जुबैर अब आ रही साहब है, आ रही आ आ रही रही है। है। इनकी आवाज आ रही है हाँ सर, आपको नहीं आ रही? नहीं, मुझे नहीं आ अरे रही, एक मेरे बार, को थोड़ा सा अरे साहिल डिले भाई है मेरे ख्याल क्या, से सिम यार्ड में, थोड़ी देर में आ रही। साहिल भाई क्या हाल है? पहले हो चुकी हमारी बात यार। जुबैर भाई एक सेकंड, उनको आपकी आवाज नहीं आ रही स्ट्रीम यार्ड के किसी मसले की वजह से, एक सेकंड रुके। साहिल भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ एडम, तुम्हारी आ रही है, उनकी मेरे ख्याल से थोड़ी देर में आएगी, कभी कभी होता है ऐसा। हाँ, लेकिन उनकी आवाज मुझे बिल्कुल कंप्लीट आ रही है इस वक्त। ठीक है ठीक है, आप स्टार्ट करो ना, चर्चा स्टार्ट करो। ओके सॉरी जुबैर भाई, उनको अभी आवाज नहीं आ रही। स्ट्रीम यार्ड जो है ना, आज मेरे ख्याल में एक मसला कर रहा अरे है यार साहिल भाई, तुमने मेरी वीडियो डिलीट कर दी अपने चैनल से। सर। वो कह रहे हैं कि उनको आपकी आवाज नहीं आ रही अभी, तो थोड़ी देर में उनको अरे जब आपकी आवाज यार आना शुरू होगी तो वो आपसे बात कर लेंगे। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में? यार, मैं तो यही कहूंगा कि तुम ऐसे मुसलमानों को क्यों ऐड करते हो, ना इस्लाम का पता ना किसी चीज का पता। तुम भी थकते हो, उन्हें भी थकाते हो। सर कोई बात नहीं नहीं, सर, आपको पता है डिपेंड करता है क्या टॉपिक है, मतलब एटलीस्ट किसी ऐसे को लेके आओ ना जिसे कुछ आता हो, तो 5 मिनट में जज हो सर, जाता है, तुम घंटों लगा देते सर हो उसके हम ऊपर यार। सर देखें, हम किसी को लेके नहीं आते, ठीक है? अरे तो इससे हम तो मतलब ये तो सॉरी ऐसा हो सॉरी गया ना कि मतलब, सर, हाँ आप भी गरम हाँ तवे पे बैठे हैं नहीं भाई। तो सर फिर रिलैक्स हो जाए ना, मेरा सेंटेंस तो पूरा हो लेने दे सर। सर हम किसी को लेके नहीं आते, हमारा चैनल ओपन होता है और हर किसी को पता है कि हम सैटरडे को रात को 9 बजे में लाइव आता हूँ। दुनिया का जोन सा मुसलमान, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, उसको वेलकम है कि वो आ सकता है, ठीक है? जिस तरह आप आए हैं और लोग आए हैं, आपने देखा ही है, लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, हम बात करते हैं। तो आप उस चीज को छोड़ें, आपको इस्लाम का पता है कि नहीं पता, मुझे ये बता दें छोटा सा। अरे नहीं, मैं ये कह रहा था बस कि वो तो 5 मिनट में जज हो जाता है कि तुम किस तरह से बात कर रहे हो उससे, से तो जज कर सकते हो इजीली कि उसे कुछ आता है या नहीं आता है। इससे तुम ज्यादा लोगों को सर ऐड कर वो सकते हो। आपकी हेडिक नहीं है ना, वो मेरी हेडिक है, मैंने देखना है। आपका काम नहीं है, आप अपना चैनल खोलिएगा, अपनी मर्जी से चलाइएगा, मैं अपना चैनल को अपनी ठीक मर्जी चला रहा हूँ, है राइट? भाई, ठीक है। ओके नाउ, आपको लूता की कहानी पता है? लूत, हजरते लूत अलैहि सलातो वसलाम की कहानी पता है आपको? हाँ भाई पता है बिल्कुल, कुरान में कितने मकामात पे हजरते लूत की कहानी है? मैंने आपको वाला टॉपिक सुन लिया पूरा जो आपने सर मैं एक्सप्लेन पहले किया था ना पूछ रहा लड़की हूँ, को। अब मैं आप लड़की को छोड़ दें, मैं आपसे जीरो से बात करूंगा ना, मैं लड़की वाली बात आपसे क्यों करूं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हजरत लूत की कहानी कुरान में कितनी जगह पे डिफाइन की गई है? हाँ रिपीटेड है, 6-7 जगह रिपीटेड है, और मूसा नहीं अलैहि सर, सलाम की रिपीटेड है। नहीं सर ऐसी बात नहीं करें। मूसा अलैहिस्सलाम पे जब टॉपिक करूंगा तो वहां पे आप बोलिएगा, मूसा अलैहिस्सलाम को मुझे किसी और की बात नहीं करनी है। ये जो कहानी कितनी जगह पे रिपीट है पहले तो ये बताए ना नहीं एग्जैक्ट नंबर तो मुझे खोल के देखना पड़ेगा। सर। अगर आपको पता नहीं है, इतनी देर से आप बैक स्टेज में बैठे हैं, मैं देख रहा था लास्ट टाइम जब हम लड़की से बात करते थे उस वक्त आप बैक स्टेज में थे, और मैंने चैट में भी लोगों को कहा, या लेता हूँ क्योंकि सुपर चैट्स पड़े हुए हैं लोगों की, मुझे जरा ले लेने दो, उसके बाद में लेता हूँ। तो आप इतनी देर से बड़े हुए थे, अभी तक आपने वो कहानी तमाम जगह पे क्यों नहीं पढ़ी? आप पढ़ सकते थे बहुत आराम से। अरे मैं बता रहा हूँ, मैंने सुन लिया आपका सारा टॉपिक वो। अगर आपने सुन लिया तो मैने बताया कि लूता की कहानी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी हाँ वो जो मेरा कुरान के आंसर ये है अंदर, उसमें, हाँ कुरान हाँ वही तो में कह रहा सुन हूँ। ले सुन ले, 8 मकामात पे डिफाइन की गई है, ठीक है, अरे 6-7 जगह पे नहीं, 8 जगह पे। अरे ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो कई बार रिपीटेड हैं, ओके, तो व्हाई आर दे नॉट सिमिलर टू ईच अदर? दे ऑल आर सिमिलर, अलग अलग उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बयान हुई है एक ही कहानी की। दैट इज बीएस, क्या बीएस? दैट इज बुलशिट। क्यों भाई बुलशिट क्यों भाई? खुद बात कुरान जो है कोई वो साइंटिफिक नहीं है, वो एक खुद बात है, खुद बात में ऐसा होता है चीजें बार बार रिपीट की जाती हैं। नहीं, कुरान खुद तुमने बात है ये, तुमने बुलशिट कह दिया तो फिर तो भाई हो गया बस, है ऐसे थोड़ा ना होता हाँ है। दैट इज बुलशिट। अब आपने आगे बोलने नहीं ना देते, इस वजह से आप, नहीं अगर आप आप कह के मेरी चुप हो बात, गए। मैं अब आगे बोल, अगर आप रुक जाएंगे तो अच्छा। आपको जल्दी है, जल्दी जाना है कुछ, यानी कुछ मुझे समझ नहीं लग अरे रही यार आपकी क्या। मैं 10 घंटे की शिफ्ट करके आ रहा हूँ, मैं 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अरे 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 अरे, आई एम सॉरी सर, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। लेकिन सर देखें, बुलशिट क्यों है? देखें कुरान जो है वो आपके अल्लाह ने दुनिया बनाने से पहले लिख दिया था, हाँ या ना? हाँ सही बात है, सारी की ओके, आसमानी किताब कुरान ही नहीं। कुरान अल्लाह ने, बाकी सारी आसमानी किताब का तो किसी के पास, आपके पास कोई जखीफा नहीं है, अगर है तो बता दें। क्यों भाई, हमारा ये ईमान है कि हमें जबूर पे तौरात पे सब पे ओके, बिल्कुल आप बिलीव दिखा दें करना अल्लाह वाली तौरात, दिखा दें जो के अल्लाह ने नाजिल की थी, वो वाली तौरात दिखा दें। है, वो तो किसी के पास भी नहीं है, जो वर्ड कुरान से एग्जैक्टली मैच करते हैं मैंने वो। मैंने नहीं 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 मैं एग्जैक्टली सुन, यही मेरी बात बोला तो है। सुनो। हाँ सुन ले, अरे नहीं, नहीं, मैं सिर्फ यही पे खत्म करूंगा। अगर वो बाकी होती तो कुरान आने की जरूरत ही नहीं थी।
अच्छा अभी सुन ले, देखिए मैंने यही बोला था कि बाकी किसी भी आसमानी किताब का जगीफा आपके पास नहीं है, मैंने यही तो बोला था, और क्या बोला था आपने, वही जवाब दे दिया डिफरेंट तरीके से, बात तो एक नहीं ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, देखो जो चीजें हमें कुरान से नहीं मिलती हम बाइबल से देखते हैं। देखिए जो चीज अगर आपको कुरान से नहीं मिलती, अगर आप बाइबल से देखेंगे तो फिर आप उसको सत्य मानेंगे। नहीं बाइबल को हम 100% सच नहीं मानते, पर जो चीज कुरान के अगेंस्ट नहीं जा रही हम उसे मान लेते हैं क्योंकि वो नहीं हमारे ईमान का पार्ट है। ये तो बुलशिट है ना, क्योंकि इसमें अगर बुलशिट कैसा वो भाई, इसलिए है कि यहां तो आप उसको सत्य मानते हैं या उसको सत्य नहीं मानते। यार तुम फिलोसफी नहीं समझते इस्लाम की। इस्लाम की फिलोसफी ये है, मैं पुरानी इस्लाम की किताबें जब फिलॉसफी लोगों समझता ने हूँ। जब 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 करप्ट की पुरानी किताबें तब नई किताब आती है, ये फिलोसफी है, तुम इसे समझ नहीं रहे हो। ओके ये कुरान की ये वाली फिलॉसफी दिखा दें कि जब करप्ट की जाती है किताब तो अगली किताब आती है, प्लीज दिखा दें। यार कितनी बार ये सेंटेंस रिपीटेड है कि लोगों ने उसके अंदर करप्शन किया एक बुक दफा के अंदर। नहीं नहीं ये नहीं, जब पिछली किताब करप्ट हो जाती है तो अगली किताब आती है, ये बात आप मुझे कुरान से दिखा दें ताकि मैं आपकी नहीं यार फिलॉसफी आपको साझा नहीं करूं। नहीं 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 सिंपल सी बात है, जब मतलब तुम चाहते हो कि मेरे जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वही अल्लाह के वर्ड में दिखा दूँ, ऐसे थोड़ा होता है। तो जो अल्लाह ने कहा है वो बताए ना, जो ये अल्लाह तो हम ने, जनरल देखिए टाक ये तो हम नहीं जनरल जनरल टाक कर टॉक रहे हैं। नहीं, नहीं जनरल टॉक नहीं ना, आपने ही करके मुझे ऊपर कहा हे तुम्हें पता नहीं ये कुरान की फिलॉसफी है। भाई ये कुरान की यार फिलॉसफी क्योंकि है ही नहीं, तुम है भाई ही नहीं, ये क्या है है फिर ही आप नहीं बताओ। कुरान की चलो फिलॉसफी चलो कि फिर आप बताओ भाई, चलो आप बताओ यार आप क्या समझते हो। जब तक पिछली किताब करप्ट नहीं होती अगली किताब नहीं आती, ये कुरान की फिलॉसफी नहीं है। अरे सिर्फ अगर किताब ही है तो नहीं साबित भाई, कर दें। जब तक अरे भाई सिर्फ कुरान की किताब बात खाली किताब की नहीं है, जब तक उस नबी की सारी चीजें जब तक खत्म ना हो जाएं, या फिर कोई बहुत सारे रीजन होते हैं, सिर्फ किताब का खत्म होना नहीं होता। ओके वही दिखा दें जो आप अब बोल रहे हैं, चलें वो दिखा दें कुरान से कि जब तक पुराने नबी की सारी बातें खराब नहीं हो जाती तब तक अगली अगले नबी की किताब नहीं आएगी, यार ऐसे एग्जैक्ट अगला वर्ड तो नबी है नहीं ही आएगा। नहीं। नहीं कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं हर कौम में नबी भेजता हूँ और लोग उसके झुटलाते हैं, बाकी वो काफी को कत्ल कर देते हैं, फिर मैं नई नया नबी बना के भेजता हूँ। क्यों भेजता है फिर वो? ठीक है तो जब तक पिछला नबी खराब नहीं होगा अगला नबी नहीं आएगा, करेक्ट? नहीं वो डिपेंड करता है, कभी कभी पैरेलल भी आते हैं। ओके तो फिर आपका फिर ये फिलॉसफी भी आपकी खराब हो गई, यानी कि हर अरे फिलॉसफी भाई को बोलते भी बहुत जा चीजें, रहे हो और उसको नहीं खराब भी करी नहीं जा रहे हो। अरे भाई ये एक चीज नहीं है ना, बहुत सारी चीज है, डिपेंड करता है किस सिचुएशन में कहाँ रखना है। तो अगर कोई छोटा, अगर ये कोई फिलॉसफी रसूल नहीं है ना। है, रसूल पूरी एक शरीयत लेके आता है, नबी आता है कभी कभी वो शरीयत को खाली प्रमोट करने आता है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स है ना। वंस अगेन इसका मतलब बात यहाँ पे ये वाली थी, देखो बात आप आगे ले जा रहे हो जबरदस्ती। बात ये थी कि बात हम आगे नहीं बाइबल जा से भी रहा, चीजें लेते हम आप बात हम बाइबल से भी चीजें लेते हैं, हम यहूदियों की बुकों से भी चीजें लेते हैं, जो चीज कुरान के अगेंस्ट नहीं जाती है हम उसे मानते हैं क्योंकि एक ही खुदा से आई थी सारी किताबें। नहीं हाँ, लेकिन आपके यहूदी तो नहीं मानते ये अल्लाह से आई थी। तो तभी तो वो मुसलमान नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हाँ तो इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी से जो दिल भाई। करेगा वो पुरावे से ले भाई लेंगे। यहूदी तो नहीं, यहूदी तो ईसाइयों को भी नहीं मानते। हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपनी मर्जी से जो दिल करेगा ले लेंगे। ईसाई यहूदियों की कंप्लीट किताब लेते हैं, वो ये नहीं कहते कि जो दिल करेगा वो मैं ले लूंगा। तो उनकी फिलॉसफी है भाई, हमें उससे कोई मतलब हाँ नहीं है। एग्जैक्टली हम सो बेसिकली एग्जैक्टली आप सही कर बात क्या रहे हैं कि आप पिक एंड नहीं, चूज वही तो मैं करेंगे। कह रहा हूँ, मैं इस्लामिक फिलॉसफी के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ, मैं उनकी ये फिलॉसफी को क्यों झुठलाऊँ इस्लामिक अपने। फिलॉसफी कुरान में कहां लिखी है कि तौरात में से जो दिल करे वो ले लो और अरे जो दिल वही करे ना सेंटेंस लो। है कि तुम्हें पुरानी किताबों पे ये आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही, इसका मतलब क्या है? कुतुबिही व हाँ रसूली वहां क्या मतलब है इसका? एग्जैक्टली वहां पे लिखा है कि आपने पुरानी किताबों पे ईमान लाना है 100%, वहां पे ये नहीं लिखा हुआ जो दिल करे उस पे ईमान ले आओ। भाई दो दिल नहीं, जो कुरान के अगेंस्ट जाएगी वो साफ सी बात है करप्शन है, ये उस पर ईमान चीज कैसे लाएंगे कुरान में कहां लिखी हुई है कि जो कुरान के अगेंस्ट जाएगी उस पर भाई? ईमान नहीं लाना? ये इससे डिड्यूस होता है, हर चीज लिखी नहीं जाती, चीजें डिड्यूस की नहीं जाती हैं। डिड्यूस नहीं, डिड्यूस डिड्यूस आप क्या चाह डिड्यूस रहे हो कि डिड्यूस मत कीजिए। मैं हर चीज का आपको एक वर्ड दिखाऊं? ये ऐसे नहीं होता भाई, फिर तो नेवर एंडिंग बुक हो जाएगी डिड्यूस किताब। अगर सर जी तो डिड्यूस करके दिखाए ना। देखिए अगर कुरान में हजरत लूत की कहानी 8 जगह पे लिखी गई है, 120 से हाँ 150 वर्सेस हजरत लूत की कहानी 8 जगह पे बयान करते हुए अल्लाह इतनी इतनी रेपिटिशन कर सकता है, वेस्ट ऑफ टाइम कर हाँ सकता है, मगर एक स्टेटमेंट नहीं दे हाँ सकता कि तौरात में से और इंजील में से वो चीज पिक कर लो जो कुरान के अगेंस्ट नहीं जाती उसको छोड़ दो और दूसरी को पिक कर लो। ये क्यों नहीं लिख सकता जो आप बोल रहे हो, क्यों नहीं लिख यार सकता? यार मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे तो दुनिया का हर आदमी कहने लगेगा मेरी बात क्यों नहीं लिखता, मेरी बात क्यों नहीं लिखता, नेवर एंडिंग बुक हो जाएगी भाई मेरी ये, बात नेवर की बात एंडिंग नहीं, एक नहीं नहीं ये नहीं देखिए नहीं ये मेरी देखिए बात बताओ। नहीं नहीं ये नहीं सुनो मेरी फॉल्स बात सुनो। इक्विवेलेंस है। अरे नहीं जुबैर मेरी जुबैर मेरी ये बात सुन, नहीं फॉल्स नहीं इक्विवेलेंस है, फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे है? आप जो कह रहे हैं कि कुरान का एसेंस है, आप जो कह रहे हैं ये सेंट्रल टीचिंग है, वो तो लिख दीजिए ना। अरे नहीं भाई एग्जैक्ट सेंट्रल टीचिंग, हजारों टीचिंग है भाई, ऐसा नहीं है।
देखो जैसे मैं फिलॉसफी कहा, सेंट्रल टीचिंग नहीं कहा, फिलॉसफी में हजारों चीज है, किसी भी चीज की फिलॉसफी उसकी सेंट्रल टीचिंग होती है। अगर आपने ये कुरान की बेसिक फिलॉसफी है तो एक कहानी को लूत की, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है पूरे कुरान के साथ, उस एक कहानी को आपने आठ जगह पे डिफाइन किया, लेकिन एक सिंगल आयत नहीं दे सके कि तोरा तो नहीं है, जो चीज कुरान के मुखालिफ है उसे ले लो। उस फिलॉसफी का जब उन्होंने ये वाला पार्ट कह दिया कि तुम्हें मेरी पुरानी किताबें में माननी है, तो हर चीज क्यों कहे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिसके अंदर करप्शन हुआ, ठीक है, देखो कुरान में अल्लाह कहता है कि मेरी बुक में, सुनो मेरी बात सुनो, तो फिर अल्लाह को कहना चाहिए, मुझे बात नहीं बोलने, मुझे बात नहीं बोलने, किताबें करप्ट हैं उनको नहीं मानना, सिंपल। अरे नहीं भाई, क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने कुरान में रिपीट नहीं की, उनके अहकाम हम अब भी बाइबल से लेते हैं जो कुरान के अगेंस्ट नहीं जाते, जैसे इदरीस अलैहि सलाम की बुक ऑफ इनोक, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कुरान में डिस्कस ही नहीं हुई बिल्कुल भी, हमें भी ईमान लाना पड़ता है बुक ऑफ इनोक पे, बुक ऑफ इनोक पे ईमान लाना पड़ता है, किसने कहा कि ईमान लाओ भाई, जो चीज उसके कुरान के अगेंस्ट नहीं जाती हम उसे मानते हैं, मे बी ट्रू मे नॉट बी ट्रू, तो वंस अगेन बुक ऑफ इनोक पे आप ईमान नहीं लाते, नहीं लाते मतलब क्या, आप कह रहे हैं वंस अगेन जो कुरान के मुनाफी नहीं होगी उस पे ईमान लाना, राइट? अरे यार तुम बात नहीं समझ रहे, मैं कह रहा हूँ कि जो चीज एक बुक की कुरान के साथ मैच कर रही है उसके अगेंस्ट नहीं जा रही, सर ये ईमान लाते हैं ना, कहां लिखा है? अरे यार ये कॉमन सेंस है, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, नहीं ये कॉमन सेंस दो, नहीं नहीं दो कॉन्ट्रा, नहीं क्यों है, इसलिए क्योंकि दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें तुम कैसे मान सकते हो, नहीं नहीं मुझे सिंपल सी लॉजिक बताओ यार, दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें, दैट इज वेयर द पंगता बिगिंस ऑफ इस्लाम, क्योंकि इस्लाम अगर तौरात और इंजील को एक्सेप्ट कर ले तो कुरान बाय डिफॉल्ट गलत है, और कुरान कहता है कि इसको एक्सेप्ट करो, मुसद्दिक कलीमा बैना यदैया, यार मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, सर एक सेकंड, बाद में कुरान कहता है कि वो कंफर्म करता है और अफर्म करता है तौरात और इंजील को, जो विद इन योर हैंड्स है, तुम्हारे हाथों में है, करेक्ट? करेक्ट। अब आप मुझे अब आप मुझे 7th सेंचुरी में तौरात और इंजील का कोई भी ज़खीफ़ा दिखा दें जिसको हक के साथ मुसद्दिक कलीमा किया जा रहा है। अरे उस दौर की किताब नहीं हो रही, वो नबी के जब हाथ में थी तब की बात हो रही है। एग्जैक्टली 7th सेंचुरी में आपका नबी आया। अरे मेरे नबी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुराने नबी भी मेरे नबी हैं, नज़ला इलैकल किताब बिल हक मुसद्दिक कलीमा बैना यदैया व अनज़ल तौरात वल इंजील, He has sent down upon you, मोहम्मद की बात हो रही है, the book in truth, मुसद्दिक कलीमा, confirming, बैना यदैया, इसकी fake translation ये करते हैं, was before it, नहीं, बैना यदैया, between the hands, यदै कहते हैं hands, जो के तुम्हारे हाथों के दरमियान में है, बैना यदैया, बैना means between, यदैया means hands, तुम अगर अपना translation करते रहोगे खुद से ये तो कोई बात ही नहीं होगी। सिंपल सी नहीं, देखो मेटाफोरिक बात होती है, सिंपल सी बात है, तुम मुझे एक बात बताओ, मेटाफोर करके दिखाओ जरा मुझे प्लीज। हाँ देखो बैना यदैया का मतलब ये होता है जो तुम्हारे आगे है, इसका मतलब ये भी होता है अरबी में, हाथों के बीच में जो होता है वो आगे होता है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाथों के अंदर, नहीं ये भाई एक सेकेंड, ये ले पकड़, हाँ तुम, मैंने दूसरे तरीके से शेयर किया आपके लिए, सिंपल ट्रांसलेशन, बैना यदैया In his hands, हाँ भाई देखो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ये बहुत कॉमन चीज है, कलीमा बैना यदैया वो अनज़ल तौरात वल इंजील, जो तुम्हारे हाथों के दरमियान है, हाउ, अरे यार हाथों के दरमियान का मतलब आगे भी कहा जाता है इसे, यार ये लैंग्वेज की मेटाफोरिक वर्ड होते हैं, जैसे सिंपल सी बात कहूँ मैंने बिरयानी खा ली मेरे सीने में आग लग गई, अब इसका मतलब सीने में आग नहीं लगी, वो जलन हो गई, वो एक मेटाफोरिक वर्ड है, कोई अगर अगर कोई बाहर का बंदा अगर पड़ेगा वो सोचेगा भाई उसके सीने में फायर हो गए। ये आप बुलशिट कर रहे हैं, मुझे ये क्या, नहीं नहीं ये क्या बच्चों की तरह कर रहे हो, ये बच्चों की तरह क्या कर रहे हो, ये तुमने क्यों किया अभी, ये क्या बकवास है भाई, वो तो मेरे भाई मैंने अपना सेंटेंस पूरा करके किया, नहीं तुम तो मॉक कर रहे हो, ये क्या बकवास है, व्हाट इज दिस मॉकरी यार, देखो तुम अगर मेरी चीज को रिपीट करके मॉकरी कर, तुम मॉकरी कर रहे हो, मॉकिंग का मतलब क्या होता है, नहीं 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 देखो आदम अगर मॉकिंग का मतलब बताओ, मॉकिंग का मतलब होता है रिपीट करना, मैं तुम्हें रिपीट ही नहीं कर रहा, तुम मुझे रिपीट कर रहे हो, शट अप, यहां पे आ रहा है
کہ جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہے. ہم نے نازل کی برکت والی کتاب جو اس کے سامنے موجود ہے تاکہ آپ خبردار کریں عمر کرا کے اس کے آس پاس کے لوگوں کو جو لوگ اپنے نام رکھتے ہیں. ایک کتاب جسے ہم نازل کی برکت والی تصدیق کرنے والی جو اس کے سامنے موجود ہے. یہاں پہ اللہ نے کیا لکھا ہوا؟ جی سر, یہاں پہ ورڈ کیا آیا؟ بین یدی ہی. یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں گیم جو آپ کر رہے ہیں جو اس کے سامنے موجود ہے. اب سامنے کا مطلب قرآن کے سامنے موجود ہے. اب مجھے ثابت کریں کہ جو قرآن کے سامنے اس وقت تورات اور انجیل موجود تھی کہ نہیں تھی. ارے بھائی تم اسے غلط ٹرانسلیشن کر رہے ہو. یدی ہی بین یدی کا مطلب اس سے پہلے, اس سے نکالو. اس سے پہلے کی بات ہے, اس سے پہلے کی بات. آگے کو گالی دو. ارے آگے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی پتا ہے تمہیں یار, کچھ بھی ٹرانسلیٹ کر رہے ہو. آگے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گالی دو جو اس کے سامنے موجود ہے. ہاں اس کا آگے سامنے مطلب اس سے پیچھے جو گئی ہے. ارے سامنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ نہیں میری بات سنو, موجود ہے پاسٹ ٹینس, نہیں پلورل پریزنٹ ٹینس, فیوچر ٹینس. پتا ہے ٹینسز کا؟ پتا ہے انگلش مجھے انگلش نہیں پتا. یہ دیکھ اب موقع تم خود کر رہے ہو. پہلے ماضی, پہلے حال, پہلے مستقبل. یہ اگر سینسیبل, اگر سینسیبل ہو کے تمہیں ڈیبیٹ کرنی ہے تو کرو, یہ بدتمیزی نہیں. کیونکہ تم نے سب سے پہلے موکری شروع کی ہے. نہیں نہیں میں نے اپنے میں نے ارے موکری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب میں نے بھی اپنا سینٹنس کمپلیٹ کرنے کے بعد ہے 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 کیا ہے. مجھے تم لوگوں کی یہ ساری چالیں پتا ہیں. میں آج پیدا نہیں ہوا. سو نیکسٹ ٹائم بیفور لافنگ تھنک ٹوائس, ادروائز آئی ایم گونا ڈو دی سیم. میں ابھی تمہاری دھجیاں اٹھاتا ہوں میرے بیٹے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمہاری دھجیاں اٹھ رہی ہیں, یہ سامنے موجود ہے. دیکھو ایک ایسا ریلیجن جو کہ یہ بول نہیں سکا کہ قرآن نے تورات اور انجیل میں سے جو دل کرے وہ پک کرنا ہے, لیکن یہ لوگ آ کے ہی کریں اور ہمیں بتائیں کہ نہیں جی یہ اس کا ہے, اور ٹرانسلیشن اپنی مرضی سے کریں اور ڈاکٹر سرار کو گالی بھی نہ نکالیں. دس از اے پریزنٹ ٹینس لکھا ہوا ہے. میں نے اپنی ٹرانسلیشن اپنی کی جو لکھی ہوئی ہے ایز اٹ از بولی ہے. ثابت کرو اور ہی ہی کم کرو. میں آپ کا باپ ہوں. مجھے محمد نے بھی کہا ہے کہ میں تمام مسلمانوں کا باپ ہوں. میرا نام ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. جی آئیے پلیز. بس وہی اپنے منہ میں مٹھو ہو جا رہے ہو یار. سینسیبل بات کرو, کیا باتیں کر رہے ہو؟ سینسیبل بات کر رہا ہوں, یہ بتائیں جو سامنے لکھا ہوا ہے. اگر بات کرنی نہیں تو آپ کو نکال دوں گا. آپ کا تین گھنٹہ ضائع ہو جائے گا. بھائی میں تو بہت صحیح بات کرنے آیا ہوں, تم زبردستی الٹی سیدھی بات کر رہے ہو. صحیح بات کریں, stop laughing. I'm your granddaddy. میں سمپل سی بات کر رہا ہوں. Ask your mother, she will know. Now, answer the question. دیکھو اب تم بدتمیزی پہ آ رہے ہو. Exactly. بدتمیزی دیکھو یہ کامن, یہ سوشل میڈیا کی سب سے بڑی بات یہ ہے, سب سے بڑی بات کے دور لافنگ ختم کریں اور تم طریقے سے بات کریں. سامنے ہوتے تمہاری زبان کھینچ لیتا میں, پتا ہے تمہیں. میں تمہاری کھان مار دیتا اگر سامنے ہوتے تو سالے. چلے گیٹ لوسٹ. کتی کا بچہ اپنی باری آئی تو زبان کھینچ لیتا ہے. ویسے موک جتنا مرضی کر لو ویسے. اچھا یہ ان لوگوں کی بیسک کوالٹی ہے کہ جب ڈیبیٹ ہاریں, ڈسکشن ہارنا شروع کریں, اس وقت موکری شروع کر دیتے ہیں, لافنگ شروع کر دیتے ہیں. اس بندے نے ابھی تک چار پوائنٹ دیے تھے, چاروں پوائنٹ پہ اس کو میں نے ختم کیا ہے. ایک پوائنٹ کا ریفرنس نہیں دے سکا جو میں نے بولا, سکرین پہ سامنے دکھا دیا. دس از دا ریئلٹی. آپ کی اب آواز آ رہی ہے؟ میرے کو لاسٹ تک تو ان کی آواز آئی نہیں, تو اسی وجہ سے میں ابھی اسٹوڈیو لیو کر کے واپس آیا. کیا یہ پھٹ گیا تھا کیا لاسٹ میں؟ ہاں سر بالکل, وہی ہنسنا شروع کر دیا, موکری شروع کر دی. میں نے ہنسا تو نہیں, تم نے کیوں ہنسا؟ میں کہا میں اسی لیے کہ تم ہنسے ہو. اور اس کے بعد پھر میں نے جب سیدھا ہو کے آیا ہوں نا تو اس کی گانٹ چلی ہے. نہیں تمہاری زبان نکال دیں گے, تمہاری میری زبان نکال کر میں تمہاری فار کر دوں گا. ہاں یہ زبان نکالے گا. دیکھو میں نے اسے اتنی دفعہ, میں نے اسے دو تین دفعہ پہلے تمیز سے بولا ہے. میں نے کہا سیریس ہو کے بات کرو, ہنسو نہیں, کیونکہ ہنسو گے تو میرے پاس بھی ہنسنا بہت ہے. لاجک پہ بات کرو, ورنہ مجھے موکری ان لوگوں کی بہت پتا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے چینل پہ آ کے ہنس ہنس کے بعد میں بنائیں گے میمی حجاب کی طرح کہ ہم نے ڈیبیٹ میں ہرا دیا. ابے سالے ڈیبیٹ میں لوجیکل پوائنٹ اور ریفرنس کے اوپر بات ہوتی ہے. اگر تم نے ریفرنس کے اوپر بات کرنی ہے اور لوجیکل بات کرنی, میں کرتا ہوں. اگر ہنسو گے موکری کرو گے تو میں تم سے زیادہ اچھی موکری کر سکتا ہوں, اور وہ میں نے کی ہے. اس کو سڑی ہے, اس کو صحیح سڑی ہے. اس کو لاسٹ چانس دیتا ہوں, بدتمیزی کیے بغیر, موکری کیے بغیر, لاف کیے بغیر, ریفرنس کے ساتھ بات کریں. میں اسے بات کرتا ہوں, آخری چانس دے رہا ہوں اس کو. آپ زبیر لاسٹ چانس ہے, کہیں ادھر ادھر نہیں جانا, سیدھے مدے پہ بات کریں. ہلو
हेलो भाग गया क्या? am I audible? आवाज आ रही क्या? am I audible? बात नहीं करनी क्योंकि मॉक किए बगैर तुम लोग डिबेट कर ही नहीं सकते। ये तुम भाई लोगों का मैं बोल रहा हूँ, मेरी बेसिक आवाज तरीका है मॉक किए बगैर डिबेट नहीं कर भाई सकते। मेरी आवाज नहीं जा रही, मैं बोल रहा बोलो, हूँ। तुम आए हुए लाइव हो, हाँ बोलो। मैं तो बोल रहा हूँ, आवाज नहीं जा रही भाई। अरे आवाज आ रही है? बोलो, हेलो, अब आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है, अभी आ रही है ना। बिल्कुल आ रही है। हाँ तो भाई देखो, जो बात थी वो ये थी कि ये कॉमन सेंस है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक साथ नहीं मानी जा सकती। अगर लोगों को पता होता कि ऐसा है जो तुम कह रहे हो, तो वो प्रोफेट को तभी पकड़ लेते। ये तो ऐसी बात हो गई। क्यों लिखा हुआ मतलब सामने? ये बात अब आपको समझ में आई? इसी वजह से मोहम्मद ने तमाम यहूदियों को कत्ल किया था और मदीना से निकाला था। जो जो इस्लाम कबूल नहीं किया उसने मदीना से निकाल दिया और फिर उनको कत्लो कताल किया। एग्जैक्टली इसी वजह से, क्योंकि उन लोगों ने मोहम्मद को नबी मानने से इनकार कर दिया था। कि एक दफा एक तरफ तुम कहते हो कि हम इसको मानते हैं और तस्दीक करते हैं, दूसरी तरफ तुम जो है उसकी तस्दीक भी नहीं करते, एक नई चीज दे रहे हो। दैट्स एग्जैक्टली वाई ही डिड व्हाट ही डिड। अरे तस्दीक किस चीज की करते हैं ये तो सुन लो। तुम कह रहे हो कि उस पूरी बुक को मानो, भाई पूरी बुक को नहीं मानते। कहाँ लिखा हुआ है पूरी बुक को ना मानो? गिव मी वन कुरान की ये आयत। भाई हर चीज आयत में नहीं होती। मैं रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस, तुम रिपीट जो करा रहे हो। एग्जैक्टली तो कुरान सामने लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि ये तस्दीक नहीं करता है कुरान ने, कुरान नहीं करीम कुरान ने। नहीं, नहीं नहीं कुरान ने ये कहा है ना कि बुकों में करप्शन हुआ या नहीं कहा, ये बताओ। मैंने कहा है कि यहाँ पे कुरान नहीं कह रहा है नहीं कि मैं पहले मुझे तस्दीक इसका करता आंसर, हूँ। मुझे आंसर तो दो, मुझे आंसर तो दो। बुकों में जी करप्शन जी हुआ जब कुरान ने कहा या हाँ नहीं कहा? बिल्कुल, कुरान ने कहा है, दिखाई चले वो भी देख लेते हैं बाद में, मैं बिल्कुल देख लेता हूँ। लेकिन क्या इस आयत में ये कहा गया है के जो तुम्हारे सामने मौजूद है उसकी तस्दीक करता कुरान? यहाँ पे हाँ इस आयत में कहा है, पर इसका यहाँ पे ये ओके, मसला दूसरी है। जब तुम किसी भी चीज से रिजल्ट निकालते हो ना, देखो फिक का मतलब क्या होता जगह है। ये कहता रिजल्ट है कि मोहम्मद तुम्हारे साथ, एक सेंटेंस से रिजल्ट नहीं निकलता आदम साहब। फिक के एक्सपर्ट जो होते हैं वो देखते हैं कि ये टॉपिक कहाँ कहाँ डिस्कस है, उस सबको एक साथ इकट्ठा करते हैं, फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है फाइनल। फिक के एक्सपर्ट की भी मैं बात कर लूंगा आपके साथ। दिस इज एग्जैक्टली हाउ थिंग्स मूव इन इस्लाम। इस्लाम का बेसिक तरीका क्या है, अब ये भी समझ लें। आओ, अच्छा कुरान में कंट्राडिक्शन है, अरे नहीं, कुरान में कंट्राडिक्शन साबित नहीं होने देनी, चलो आओ इसके ऊपर फिक लिखते हैं। तफसीर बनाई इसलिए जाती है और फिक बनाई इसलिए जाती है कि कुरान की कंट्राडिक्शन को सीधा किया जाए और आप लोगों को अपंग रखा जाए। दैट्स यार इट। आदम भाई मुझे एक बात बताओ, ये कॉन्ट्रडिक्शन तुम्हें अब नजर आ रही है? इतने सालों से लोग मान रहे हैं, उन्हें नहीं नजर आई? इतने सालों फिर से मुझे, तो इंजील पढ़ी किसने है? अरे नहीं ये जो कॉन्ट्रडिक्शन तुम दिखा रहे हो, कुरान तो सब पढ़ रहे हैं क्या बोला था मैंने, क्या बोला था मैंने? भाई। मैं ये कह रहा हूं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन तुम्हें दिखाई दी जब है। भी आपकी गांड अरे फटेगी तो आप करो दूसरों को करो करो, आई हंसाएंगे। डोंट केयर। अरे आई डोंट केयर भाई, करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, करो ठीक है। नाउ हाँ अगर मैं ये कह रहा हूँ, आपने नहीं, मैं अरे मुझे मजा आ रहा है यार, मैं ये डेली करता हूँ, पनीर मुझे मेरी बात मरवाने सुनो। की आदत है, आपको मजा आता है कोई पिछवाड़ी आपकी नहीं मतलब मारता हो तो? आपको, नहीं आपको लगता होगा कि इसे मार रहे हो, वो मॉकिंग कर रहे हो, मर तुम्हारी रही है आपने तो इसमें। कहा ना मजा आ रहा है, मैं नेचुरल हंसी हंस रहा हूँ, वो नेचुरल हंसी नहीं हंस रहे। आपने कहा ना मेरे को मजा आता है, अपने मुंह से कहा आपने, हाँ और जलाने में पिछवाड़ी मजा देने आता है, में मजा आता उसकी जल नहीं, वो जल रही है है। ढंग तभी से तो बात रिपीट कर करो रहा ना है। भाई। आर्टिफिशियल हंसी कर रहा है, वो क्यों कर मेरी रहा मेरी जलती नहीं मेरे बच्चे, मैं लोगों की है? फाड़ता अरे हूँ, भाई जितनी तुम फटती है आर्टिफिशियल वो है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल हंसी क्यों बना रहे हो? मजे इसलिए तो लेके बना रहे हंस हो, रहे हो लोगों ना, की इस मार वजह देता से हूँ हो ना। ना क्वेश्चन। तुम मजे लेके हंस रहे हो ना इस अरे वजह ठीक से। है, चलो टॉपिक टॉपिक पे अब आओ, ये टॉपिक आगे पे आओ। बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो अब जुबैर, ये आगे बढ़ो। देखें, आपने जो बताया था फिक और तफासिर, ये देखें मैं जाता हूँ। द जूज आल्टर अल्लाह वर्ड, इब्ने कतीर लिखते हैं इसको। अल्लाह स्टेट्स दैट सम जूज, मे अल्लाह कर्स डिसेंड्स ऑन देम, डिस्टोर्टेड अल्लाह वर्ड विद देयर टंग्स, अपनी जुबानों से, चेंज देम फ्रॉम देयर अपेरेंट अप्रोप्रिएट प्लेसेस एंड आल्टर देयर इंटेंडेड मीनिंग्स। दे डू दिस टू डिसीव द इग्नोरेंट पीपल बाय मेकिंग इट अपीयर दैट देयर वर्ड्स आर इन द बुक ऑफ अल्लाह। दे एट्रीब्यूट देयर ओन लाइज अल्लाह इवन दो दैट दे वांट टू लाई अपॉन द इन्वेंटेड। देयरफॉर अल्लाह सेज एंड दे स्पीक अ लाई अगेंस्ट अल्लाह व्हाइल दे नो इट। मुजाहिद सेड, अनस सेड, हु डिस्टोर्टेड द बुक विद देयर टंग, जिन्होंने अपनी जुबान से किताबों को चेंज किया। मीन्स इसका मतलब है दे आल्टर्ड देम। बुखारी रिपोर्टेड, इब्ने अब्बास सेड, आया मीन्स दे आल्टर्ड एंड एडेड थ्रू, नन अमंग अल्लाह क्रिएशन कैन रिमूव द वर्ड ऑफ अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब अल्लाह के लफ्जों में से कोई बदल नहीं सकता। ला तब्दील किलिमातिल्लाह कुरान कहता है, ला मुबद्दिल किलिमातिल्लाह, कोई बदल नहीं सकता अल्लाह के अल्फाज को। लिहाजा इब्ने कतीर उन तमाम कुरानी आयतों को लेके क्या बयान करते हैं बुखारी के जरिए रिपोर्ट करते हुए, दे आल्टर्ड एंड डिस्टोर्टेड देयर अपेरेंट मीनिंग
वहाब बिन मुनाफ सेड द तौरा एंड इंजील रिमेन एज अल्लाह रिवील्ड देम, वो वैसे ही है जैसे अल्लाह ने रिवील की है. नो लेटर इन देम वाज रिमूव्ड, एक लफ्ज भी रिमूव नहीं हुआ. हाउएवर, लेकिन द पीपल मिसगाइडेड अदर्स बाय एडिशन एंड फॉल्स इंटरप्रिटेशन, लेकिन लोगों ने इंटरप्रिटेशन उसकी गलत की है. अगर मैं इब्ने कसीर की इस वर्डिक्ट को लूं तो इसका मतलब है तोरा वैसी की वैसी है जैसी अल्लाह ने नाजिल की थी. बदला क्या है? जो तोरा की इंटरप्रिटेशन है, यानी कि जब आप ज्यूइश रैबाइज की इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं वो गलत है, वो बदली है. अल्लाह का कलाम नहीं बदला, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है ला तब्दीला किलिमातिल्लाह ला मुबद्दिला किलिमातिल्लाह. क्या करूं सर? ना, इसमें ये करो कि उनके पास जो है वो इंटरप्रिटेशन बची है, वो बची नहीं जो उनके कलिमात थे. वो तो कह रहा है किसी ने बदला ही नहीं है. वो तो नहीं बदला नहीं है. अच्छा, तो बता तोरा की, तोरा की इंटरप्रिटेशन का क्या नाम है? उसे तोरा ही कहते हैं वो लोग. किसने कहा है? इसमें हर चीज में कहने की बात नहीं होती, ऑब्वियस है. नहीं, ऑब्वियस आपने अपने पास से बना दिया. अरे भाई, इसमें मेरे पास से बनाने का क्या है? ऑब्वियस है, क्योंकि उन लोगों के पास वो, जिसको वो तोरा कहते हैं आप उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं. अरे देखो, मैं सिंपल सिंपल सी बात बताता हूँ. मूसा अलैहिस्सलाम के पास ईसा अलैहिस्सलाम आए, ज्यूज ने, वो यहूदी उन्हें नहीं मानते तो उनकी ना बाइबल को मानते हैं वो, ठीक है. यहाँ पे लॉजिक आता है कि उनके अंदर करप्शन हुआ तभी तो वो उसे नहीं मान रहे. अगर वो सच्चे होते तो आगे वाले को भी मानते. मैंने ये नहीं पूछा. मैंने कहा है तोरा की इंटरप्रिटेशन को यहूदी क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी बुक्स बना रखी है, जो भी है उनके पास अराउंड जितनी भी है, कॉम्बिनेशन है पूरा. मेन तो उनकी 5 बुक्स थी. यानी कि आपको अंब का पता नहीं है लेकिन आप यहूदियों तक जाएंगे. परफेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. अभी आपने मुझे बोला था कि यहाँ पे उनकी किताब बदली. अब अगर किताब नहीं बदली, इंटरप्रिटेशन बदली, तो तोरा इस वक्त वाली इंटरप्रिटेशन नहीं, 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 किताब है. जो आप इब्ने कसीर की बात बता रहे हैं, वो इब्ने कसीर कोई नबी नहीं है भाई. उनका अपना मानना है, मानने दो. ओके, मुझे अच्छा चले, आपके नबी ने जो बोला वो आपके पास है? तो बिल्कुल है. क्या लिखा है उसमें? नबी ने तो तोरा चेयर के ऊपर रख दिया था, अपनी गद्दी के ऊपर, और कहा था ये अल्लाह की किताब है, मैं इसको मानता हूँ, और जो इसमें लिखा है उसके ऊपर अमल फैसला. बिल्कुल भाई, देखो उस पे तब तक अमर करेंगे जब तक नया अहकाम नहीं आ जाएगा. जब नया अहकाम आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट हो गया, तो कुरान खालिस. ये जरा जल्दी से कुरान में दिखा दे, क्योंकि कुरान की आयत है ना कि अल्लाह, ये अब जल्दी से दिखा दे. ये इंटरप्रिटेशन आपने कहां से की? अरे यार, ये हर चीज की इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं होती. अच्छा, अभी आपने जो फिक की बात की थी, तो फिक लिखने वाले नबी थे भाई. यहाँ पे ये बात आ गई के जब एक नई किताब आ गई. भाई, फिक लिखने वाले नबी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे. तो अभी आपने जब फिक की बात की थी, मैंने जब दिखाया, तो आप उसे बुगर क्यों कह गए कि इब्ने कसीर तो नबी नहीं है? अरे नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि फिक भी बहुत तरह के होते हैं, और डिपेंड करता है तुम किसका व्यू ले रहे हो. अच्छा, यानी कि फिक भी अपनी मर्जी की करेंगे आप? जो सही बात है, देखो जो नहीं, यानी कि अहले चॉइस नहीं. देखो साहिल भाई, अब देखो तुम भी टोन नहीं. देखो मैंने हंसना बंद कर दिया, अब तुम मौका दो. नहीं, मैं मौक नहीं कर रहा, मैं साहिल भाई को बोल रहा हूं ना. जुबैर साहब, आपसे नहीं कह रहे. अभी ये कह रहे थे फिक फिक फिक, ठीक है. अभी ये कह रहे थे लोगों की इंटरप्रिटेशन. अब मैंने इनको इंटरप्रिटेशन दिखा दी है, तो अब इन्होंने अपना मुद्दा चेंज कर दिया. इंटरप्रिटेशन में नहीं जाना है. नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाई कि इंटरप्रिटेशन बहुत तरह की होती है. देखो, जिस सेंटेंस का डायरेक्ट मीनिंग क्लियर नहीं होता, उसको अलग अलग स्कॉलर अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं. मतलब कुरान में जो बातें हैं, जो आयतें मुताशाबियात, जो आयतें मुताशाबियात होती है ना कुरान की, जिनको अल्लाह ने क्लियर नहीं किया, उसको स्कॉलर्स अपने अपने हिसाब से उसे वो ट्रांसलेट, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं थी. ऐसे बहुत सारे राज हैं जो आगे जाके पता चलेंगे, जैसे सूरह कहफ पूरी भरी पड़ी है चीजों से, जिनके राज आगे जाके पता चलेंगे. क्यों इख्तिलाफ का बाइस क्यों बनाया अल्लाह ने? क्योंकि देखो, हर सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग होती है. एक अंडरस्टैंडिंग तक लोग पहुंचेंगे तो वो खुद से उसका मीनिंग ले लेंगे. नहीं भाई, ये क्या अल्लाह खेल खेल रहा है कि खुद से मीनिंग ले लेंगे? क्योंकि देखो ये बताओ, नहीं नहीं भाई, हर सोसाइटी का अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है. तो सिंपल सा यहाँ पे बात ये है, जो है उसमें, हाँ, हिदायत की किताब जो किताब है उसमें ये एम्बिगुअस चीजें क्यों रखा है अल्लाह? नहीं, कुछ लोगों को पहले, जैसे एक हजरत अली की हदीस है कि मुझे जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते पता है, पर मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता क्योंकि तुम रेडी नहीं हो. तो भाई, हर चीज की सोसाइटी का लेवल होता है. जैसे लोग, जैसे सूर्य कहफ के जो 5 वाक्य हैं, लोगों के समझ में नहीं आते. भाई,
अभी जो चीज की बातें हो रही है इस पे तो पूरी एक सोसाइटी जो है वो आप लोगों के मुताबिक अकीदे में वो गड़बड़ी है, वो तो सीधा जहन्नम। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, ये तुम खुद से इन बना रहे हो, जो आयत मुताशाबहात है उनके उनके इंटरप्रिटेशन से कोई हलाल हराम तय नहीं होता। हाँ भाई, यहूदी और जो ईसाई है। अपने माइक्रोफोन की वॉल्यूम रेज करें, आपकी वॉल्यूम बहुत दबी हुई है एज कम्पेयर टू जुबैर, सो प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम, अपनी वॉल्यूम को बढ़ा दें। एक मिनट रुको, हाँ जरा बढ़ाएं प्लीज, क्योंकि आपकी वॉल्यूम बहुत दबी हुई है इस वक्त, उसकी आवाज बहुत लाउड है और आपकी आवाज बहुत ज्यादा दबी हुई है। एक मिनट अभी कर देता हूँ जी, प्लीज। ये फुल पे कर दिया मैंने, इनकी थोड़ी कम कर दो ना, बेस्ट ठीक है ये लो। हाँ भाई, तो ये कन्फ्यूजन अल्लाह ने रखा ही क्यों है, इसका जवाब नहीं दिया आपने ना, इसका जवाब नहीं दिया। ये तुम्हें लग रहा है कि कन्फ्यूजन है, आपने खुद अभी बोला जो। हाँ आप नहीं, नहीं मैं कन्फ्यूजन कह ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ उनमें कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, बात ये है कि उनका इंटरप्रिटेशन आने वाली सोसाइटी खुद से करेगी अपने हिसाब से। ऐसे रखा, एक मिनट एक मिनट जुबैर साहब, क्लियर चीज में इंटरप्रिटेशन अलग अलग होती है क्या, जो चीज एकदम वाजे है? नहीं बिल्कुल नहीं होती। तो इसका मतलब कुरान की आयतें जो है वो क्लियर नहीं है? मैं तुम्हें अगर साइंस की वो थ्योरी बताने लगूं जो आज से 100 साल के बाद आएंगी, तुम समझ पाओगे? मैं इशारे दे सकता हूं, मैं समझा ही नहीं सकता। यहां पे साइंस की बात नहीं हो रही, एक किताब की बात हो रही। आप आज दो, अरे भाई क्योंकि भाई 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 सुनो, साइंस के लॉज जो होते हैं ना, वो चाहे आप आज दो या 100 साल बाद दो, लॉज कभी चेंज नहीं होते। अरे भाई, पर जो नई साइंस इजाद होती है, जैसे भाई बिल्कुल होती है, क्वांटम मैकेनिक्स से कितनी थ्योरी ऐसी है जो एम्बिगस है। लॉज नहीं नहीं, लॉज में, अरे भाई ये एम्बिग्यूटी होती है। जुबैर, जब डोंट कंफ्यूज थ्योरीज विद लॉ, तुम कंफ्यूज कर रहे हो। यहाँ पे अल्लाह जो है वो पुरानी किताब की बात कर रहा है जो कि मौजूद है। हाँ हाँ ठीक है भाई, कह रहे हैं कि लॉज जो है वो चेंज होते हैं। वाह भाई वाह भाई, साइंस के लॉ चेंज होते हैं बिल्कुल नहीं। साइंस के मैंने कब कहा लॉ चेंज होते हैं, तुम खुद से बना रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी चेंज होती है, लॉ क्यों चेंज होगा? ये 180 पे शिफ्ट करता है। चलें, ये कुरान की एक आयत देने लगा आपको, वापस आते हैं। अल्लाह कहता है कि वला मुबद्दिला लिकलिमातुल्लाह, कोई नहीं है जो अल्लाह के कलिमात को बदल सके। तौरात और इंजील आपके मुताबिक अल्लाह के कलिमात हैं, किस कैसे बदलेंगे? हाँ ठीक है, जो तौरात और इंजील सेव्ड है लोहे महफूज में, वो अब भी वही है। लोगों ने अपनी ये वाली स्टेटमेंट अल्लाह की कुरान से दिखा दें कि जो तौरात और इंजील लोहे महफूज में सेव्ड है वो सेव्ड है, बाकी नहीं। प्लीज ये कुरान से दिखा दें भाई, हर चीज नहीं मिलेगी। मैं फिर के रिपीट कर रहा हूँ, तुम जो कहोगे मैं मेरे वर्ड वो दिखा दें, ये दिखा दें। देखिए, इस वक्त तक मैं 20 मिनट से ज्यादा हो गया आपसे बात कर रहा हूँ, आपने जो जो क्लेम दी है उसमें से एक आपने नहीं दिखाया। मैंने जो जो क्लेम दिया स्टेटमेंट खत्म करने दे मुझे, जो जो क्लेम आपने दिया है आपने नहीं दिखाया, जो जो क्लेम मैंने दिया है मैंने स्क्रीन पे दिखाया। यानी कि जितनी भी बातें आप कर रहे हैं वो हवाई बातें हैं, नन ऑफ देम आर इन कुरान। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीजें कुरान से ही रिड्यूस हुई हैं। ओके, डिड्यूस करा के दिखाएं कुरान से। देखो कुरान में अल्लाह कहता है कि पुरानी किताबों में करप्शन हुआ, लोगों ने कौन सी आयत बोलो पहले, गूगल करके सर्च कर लो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने पढ़ी है। पर यहाँ पे आप अमले नहीं आए हैं कि मैंने गूगल करके सर्च करना। भाई तुम्हें भी पता ही होगा, ऑब्वियसली मुझे पता है, तुम मैंने अभी जान के नहीं बोल रहा है कि उसकी इंटरप्रिटेशन इब्ने कतीर ने दी है कि कुरान की बाकी आयात में अल्लाह कहता है कि कोई उसके कलाम को चेंज नहीं कर सकता, लिहाजा जूज ने कलाम चेंज नहीं किया, इंटरप्रिटेशन चेंज किए। हाँ बिल्कुल बेहतरीन, तो इसका मतलब है जो तोरा है वो बिल्कुल सही है, पर उनके पास नहीं है ना। ओके, जो अच्छा जो मुसलमानों के पास तोरा है वो दिखा दें। नहीं, मुसलमानों के पास भी नहीं, इट इज लॉस्ट। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर वो लॉस्ट हो गई है तो फिर मेरी बात बताओ अगर वो लॉस्ट हो गई है तो आप तोरा को अपनी मर्जी से जोन सी वर्स है क्यों ले सकते हैं जब तक वो लॉस्ट हो चुकी है? वही तो कह रहा हूँ, नहीं जो चीज कुरान से मैच करेगी इसका मतलब असल में नहीं, वो कुरान से मैच करने की बात ही नहीं है। जब कोई चीज कुरान में लिखी, अच्छा चले कुरान से मैच करने की बात करते हैं। साहिल साहब रुक जाएं जी, आप भी रुक जाएं भाई जान, कुरान से मैच कराते हैं, कुरान से मैच ये कराते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आपका कुरान एक जगह कहता है, ये देखिए मैं आपको अभी दिखा देता हूं,
आपका कुरान कहता है, जो मैं पहले भी उस लड़की को दिखा चुका हूं, कि सुबह सुबह इनके ऊपर धमाका आ गया, और अब मतलब देखो मेरे साहब का कौन सा धमाका है, कोई धमाका, एक धमाका आया तो इनके ऊपर एक धमाका आ गया, ठीक है, इनके ऊपर धमाका आया, लूत की बात कर रहे हो ना, 34 में, एक सेकेंड, धमाका बाद में आया था, 34 में लूत के ऊपर तेज आंधी डाली थी, ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 के अंदर 84 आयत बताती है कि इनके ऊपर बारिश आई थी, ठीक है, सब एक साथ आए होंगे, चैप्टर नंबर 26 सब एक साथ, मादर मेरे मुंह से गाली निकलने लगी थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एक साथ अगर आई थी तो एक साथ कुरान ने नहीं बताई, ठीक है, 173 पे चलते हैं, 173 पे चलते हैं, इनके ऊपर तो बारिश आई थी, वो बहुत ही बुरी बारिश थी, ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 27 पे चलते हैं, 58वीं आयत में, इनके ऊपर सिंपल बारिश आई थी और कुछ नहीं आया था, उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर, अरे बारिश किसकी, और चैप्टर नंबर 11 के अंदर तो बताओ, चैप्टर नंबर 11 के अंदर स्टोन फेंके गए थे, अरे बारिश किसकी चीज की, बारिश का मतलब, बारिश का मतलब बरसाना होता है, किस चीज की बारिश, ये तो बताओ, बारिश बारिश पानी की होती है, ठीक है, बारिश हमेशा पानी की होती है, यहाँ पे नहीं 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 ओके मैं अभी आपसे बात करता हूँ, कोई मसला नहीं, मुझे पहले सारे अरेंज कर लेने दे, क्योंकि ऑब्वियसली 8 जगह है, तो मुझे 8 जगहों को अरेंज करना है, मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हें पहले आंसर दे देता हूँ, मैंने सुन रखा है जो आप बता रहे हो, मैं बता, टेंशन नहीं ले, मुझे पता है आपकी गेम, सबर करें यार, 74 वेट करें, वेट करें, लेट मी फिक्स, ये मौकरी जो है ना, मुझे इन मुसलमानों की बहुत जबरदस्त लगती है कि जब इनके पास आंसर नहीं होता मैं बहुत, तो ये मौक करना शुरू करते हैं, आम बात में हंसी नहीं सकते, इनका बाप जो है ना इनको घर से बाहर निकाल देता, अगर ये साला आम बात में अपने बाप के सामने हंसता, दिस इज द रियलिटी ऑफ दीज मुस्लिम्स, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि इनके साथ आप कभी जो है ना डिबेट करते हुए ख्याल रखिए, बिकॉज दीज पीपल आर सो डिसीविंग, क्योंकि इनका काम है कि मौक करना, मौक किए बगैर ये रह नहीं सकते, दिस इज हाउ इट इज, अच्छा जी 37 नंबर आए, मैं इनको पीछे इसलिए किया ताकि जरा सांस ले ले, वरना इनको फिर हंसी आ जाएगी, और मुझे हंसी आने तो फिर मुझे मुझे भी फिर हंसी आ जाती है, तो फिर ये कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से हंसी कर रहा हूँ, ओके अच्छा जी, उसके बाद जनाब इनको वापस लाते हैं, जी सर, अब कुरान जो है वो तकरीबन 8 सालों में 8 डिफरेंट कहानी दे रहा है, तकरीबन 8 साल मैंने इसलिए कहे हैं कि पहली दफा कुरान में चैप्टर नंबर 37 में ये आए थे, फिर चैप्टर नंबर 39 में आए, रेवलेशन ऑर्डर बता रहा हूँ आपको, फिर चैप्टर नंबर 47 आया, फिर चैप्टर नंबर 48 आया, फिर चैप्टर नंबर 52 आया, फिर चैप्टर नंबर 54 आया, फिर चैप्टर नंबर 56 आया, और फिर चैप्टर नंबर 85 आया, यानी कि तकरीबन 8 सालों में मोहम्मद ने 8 डिफरेंट बातें की हैं, अब मुझे बताइए इनमें से किस बात को मानना है, आपको लग रही है डिफरेंट, मुझे डिफरेंट लगी नहीं रही, कभी तुमने आंधी पत्थर और इन सबको एक साथ देखा है, नहीं तो नहीं होते कभी, जब आंधी आई तो यहाँ पे बारिश थी, हाँ बोलो, जब आंधी आई तो यहाँ पे बारिश का जिक्र हुआ, अरे भाई ये जरूरी थोड़ना है कि वो हर चीज को एक ही सेंटेंस में यूज करे, भाई सारी एक साथ आई थी, दैट्स इट, मैंने पूछा है जब आंधी वाला जिक्र मोहम्मद ने किया, इस वक्त मुसलमान लोगों को सिर्फ आंधी का पता है और किसी चीज का नहीं पता, उनको पता है कि बारिश भी हुई थी यार, आंधी ये कोई हर दफा जब आंधी आती है, नहीं नहीं तुम ये कह रहे हो मेरे से, नहीं नहीं मेरी बात, हर दफा जब आंधी होती है तो बारिश नहीं होती, नहीं तो वही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि हर आंधी के साथ बारिश आती है, अरे नहीं होती भाई, ये बात समझ मान ली मैंने, मैं ये यहाँ पे जब आंधी आई तो उसमें बारिश थी, थी बताया नहीं उन्होंने, थी कैसे थी, जब इस वक्त मोहम्मद ने बताया ही नहीं कि बारिश थी, इसलिए थी क्योंकि ये नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि हर, जैसे मैं खुतबा दे रहा हूँ हर चीज में हर बार बोलूं, ऐसा नहीं होता, खुतबे की बात नहीं है यहाँ पे, मोहम्मद के पास, अरे मेरी बात सुनो भाई, अगर मैं कोई बात बता रहा हूँ ना, देखो खुतबे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे रेवलेशन नाजिल हो रही है, जिब्राइल लेके आ रहा कुरान, अरे खुतबा अल्लाह का है, कुरान अल्लाह का खुतबा, पता भी है तुम्हें, अल्लाह के खुतबात है ये, अल्लाह के खुतबात किससे, अल्लाह खुतबा, ये अल्लाह के खुतबात है कुरान जो है, ये कोई साइंटिफिक बुक नहीं है, नहीं नहीं किस, एक सेकंड, साइंटिफिक कई पहाड़ में इस वक्त, खुतबात अल्लाह किससे दे रहा था जब अल्लाह ने कुरान लिखा था, जिब्रील अलैहिस्सलाम से, जिब्रील अलैहिस्सलाम से, जिब्रील तो उसको बना ही नहीं था, अरे अभी जब रेवलेशन के टाइम पे दे रहे थे वो तो पहले से रेवलेशन, रेवलेशन टाइम बाद में, कुरान जब लिखा गया था उस वक्त अल्लाह खुतबा किसको दे रहा था, अपने आप को,
अरे वो खुतबात के फॉर्म में लिख रहा था ना, मैं कह रहा हूँ जब अल्लाह खुतबा दे रहा था उस वक्त वो किसको खुतबा दे रहा था, खुतबा लफ्ज मिलता है खिताब से, खिताब किसी के साथ किया जाता है। अल्लाह जब फर्स्ट टाइम कुरान लिख रहा था जुबैर, अल्लाह जब फर्स्ट टाइम कुरान लिख रहा मेरी बात जुबैर, मुझे पता है डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर इसरार ने तुम्हें खुतबे खुतबे की गोली कराई हुई है, मुझे पता है इस बात की, मैं जानता हूँ। सिंपल क्वेश्चन, जब अल्लाह ने फर्स्ट टाइम कुरान लिखा लोहे महफूज पे, वो खुतबा किसको दे रहा था? यार मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी स्पीच दी है? स्पीच देने से पहले तुम लिख के जाते हो अगर स्पीच अपनी, तो तुम क्या करते हो उसे पहले भी तुम किसी को दिखा के लिखते हो? भाई यार उसने लिख रखा है पहले से, बात करो। तुम्हारा दिमाग खराब है, जब अल्लाह खुतबा लिख रहा था किसको लिख रहा था? अरे हम जिससे उसे मुखातिब होना था उसके लिए लिख रखा है उसने सब कुछ, जब भी मुखातिब होना था। यानी कि अल्लाह ने पहले खुतबा लिखा और बाद में दिया उसने, और देने के लिए खुद, जितने और देने के लिए, देने के लिए नहीं, सिर्फ खुतबा ही नहीं, सब कुछ उसने लिख रखा है लोहे महफूज में, सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, मैं जलता हूँ उसमें भी जलता हूँ, सब कुछ लिख रखा है, याद रखना ये बात, अल्लाह ने सब कुछ लिख रखा है ना, बेहतर। हाँ बिल्कुल सही बात है, ओके, सब कुछ लिख रखा है, ईच एंड एवरीथिंग लिख रखी है। अल्लाह जब खुतबा दे रहा था उस वक्त खुतबा दे रहा था मोहम्मद को, चैप्टर नंबर 37 देते वक्त, अल्लाह को उस वक्त याद नहीं आएगा यहाँ पे खाली आंधी नहीं आई थी बल्कि मैंने बारिश भी भेजी थी? अरे यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं होता कि हर बार हर डिटेल दी जाए भाई। क्यों? जो बंदे मर गए चैप्टर नंबर 37 सुनने के बाद मर गए, उनको तो पता ही नहीं लगा कि बारिश भी हुई थी। उनको पता लगने से क्या फर्क पड़ता है? ना लगे पता, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब है कि वो झूठी बात के ऊपर यकीन करके मर गए। इसमें झूठ क्या? अरे बारिश भी थी ना, इसमें झूठ कैसे हो गया? यार बारिश नहीं ना थी यहाँ पे, बारिश नहीं है। अरे हर जगह हर चीज होना जरूरी नहीं है, क्या इलॉजिकल बात कर रहे हो? मैं अगर एक ही चीज, अच्छा मैं एक ही चीज, अगर लूत की बीवी, अब मैं टकरी भी आ जाता हूँ, मुझे पता लग गया आपकी जलेबी। लूत की बीवी जो है वो अल्लाह ने क्यों यहाँ पे रहने दी पीछे? क्या करने दी लूत की बीवी को? पीछे क्यों रहने दिया? इसकी वजह हमें बाइबल से मिलती है और कुछ उससे मिलती है कि वो बाइबल से मिलती है। चले बाइबल से दिखाएं कि लूत की बीवी को पीछे क्यों रहने दिया। मतलब वो उन करप्ट लोगों के साथ थी वहां पे, बाइबल से दिखा दें कि कहां लिखा है कि वो करप्ट लोगों के साथ थी, प्लीज दिखा दें। यार देखो तुम वर्ड्स लेके बैठे हो, तुम्हें भी पता होगा, तुम 2 मिनट में सर्च कर सकते हो। सर मैंने आपको कहा है, आपने एक क्लेम दिया है। मैं क्लेम जो दे रहा हूं, अब मुझे बताएं कि लूत की बीवी पीछे नहीं, आपने कहा बाइबल में लिखा है, बाइबल में से दिखा दें कि लूत की बीवी पीछे रहने वाले मुझसे क्यों थी। देखो जो हमें कहानी बताई जाती है वो इस तरह से बताई जाती है कि वो करप्ट लोगों के साथ थी। कहानी सुनने में नहीं आया, मैं यहाँ पे हुज्जत के साथ बात करता हूँ, अभी तक आप कहानियां ही दे रहे हैं। मैंने कहा लूत की बीवी पीछे क्यों रह गई, आपने कहा इसकी बात का जो आप बाइबल में लिखा है, मैंने कहा बाइबल से दे दे। नहीं ठीक है चलो, मैं सिंपली ये कह रहा हूँ तुमसे, वो पीछे क्यों रह गई ये हमारे लिए मैटर ही नहीं करता, हमें कुरान कहता है वो पीछे रह गई, मैटर करता है कि नहीं करता। आपने क्लेम किया बाइबल में लिखा, मुझे बाइबल से दे दे। यार मुझे सर्च करना पड़ेगा, तुम वर्ड्स की बात कर रहे हो, ये टॉपिक बहुत अलग चला यार। 3 घंटे से आप यहाँ पे इंतजार कर रहे थे अंब लेने का, इंतजार कर यार मुझे ये पता था क्या यार, तुम मेरे से ये पूछोगे कि यार ये वाला वर्ड दिए तो तुम टाइटल है प्रॉफिट लूत एंड हिज पीपल, और आप यहाँ पे 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे बकौल आपके, और आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो चीज नहीं, अगर तुम मेरे साथ मतलब वो करना चाह रहे हो मतलब आर्ग्यूमेंट पर्सनल, तो पर इससे फायदा नहीं। मैं कह रहा हूँ इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है, इससे जो कुरान भी निकल रहा है, मैं भी पूछ रहा हूँ कि नहीं वो मेरा काम है कि एंड में आर्ग्यूमेंट क्या निकालूं, वो दैट इज माई पॉइंट कि मैंने ये आर्ग्यूमेंट क्यों पूछा है, ये मैं आपसे बाद में बताऊंगा जब आप मुझे साबित करेंगे क्यों पीछे रहेगी। लूत की कौम के ऊपर अज़ाब क्यों आया था, चलिए बताएं। अरे वो सोडोमिटी नाम था उनका। सोडोमिटी क्या होता है? व्हाट इज सोडोमिटी? अरे सोडोमी। व्हाट इज सोडोमी? होमोसेक्सुअलिटी। लोंडे के साथ कर रहे थे काम। हाँ ओके, लूत की तो बीवी थी तो लोंडे के साथ सेक्स कर रहे थे, लूत की बीवी कैसे पीछे रहेगी? अरे वो सपोर्ट में होगी ना उनके भाई, अगर वो लड़की है और लड़की को चाहिए सेक्स। नहीं एक सेकंड, अरे भाई, अरे यार तुम आप मुझे ये साबित कर दे कि वहां पे लेस्बियनिज्म भी था तो मैं चलो मान लेता हूँ, लेकिन लूत की बीवी थी वो लड़की थी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग इस होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट कर रहे थे वो उनके साथ थे, चाहे वो करे ना करे। भाई देखो लूत की वो बीवी थी और आप बात कर रहे हैं लोंडेबाजी की। नहीं सुन रहे मेरा आंसर ही नहीं सुन रहे तुम। एक लड़की भले ही, अरे यार बात तो सुन लो यार साहिल भाई, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? एक सेकंड, एक लड़की लोंडेबाजी को कैसे सपोर्ट कर सकती है बताइए? अरे क्यों नहीं कर सकती, आज के दौर में कितनी लड़कियां कर रही है। अरे मैंने कहा यहाँ पे बताइए कि उसने कैसे सपोर्ट किया। अरे
वो कहेगी कि इन सब को तुम बुरा मत कहो, ये यार तुम मेरे से पूछ रहे हो कैसे कर सकते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया अब हर चीज तुम्हें लिखी भी कहां लिखा है ना। मैं यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट ये है कि वो पीछे रह जाने वालों में से थी, उनके सपोर्ट में थी, और लेस इंपॉर्टेंट वो मेरा काम है फाइंड करना, आपका काम है एज ए मुसलमान ये बताना कि लूत की बीवी पीछे क्यों रह गई। यार देखो इससे तुम्हें मतलब क्या निकलने वाला है, तुम अगर इसमें से ये निकालने वाले हो कि आपकी हेडिक ही नहीं है कि इससे क्या निकलने वाला है, ये मेरी हेडिक है। एग्जैक्टली, तो ये भी मेरी हेडिक नहीं है कि वो क्यों पीछे रह गई, अल्लाह ने कहा पीछे रह गई। मैंने सवाल किया है आपसे और आप डिफेंड करने हैं इस्लाम को और आप बताने जा रहे हैं इस्लाम सही है और ये जो है ना अल्लाह का कलाम है। जो रावी है पीछे कैसे रह गई, हां जो रावी है वो हमें ये बताते हैं, जैसे डॉक्टर शाह साहब की वो हमें बताते हैं कि वो उस काम को सपोर्ट करती थी, दैट्स इट। कहां सपोर्ट करती थी, कुरान तो नहीं कहता, कुरान तो कहता है कदर नहा। अरे अब यही तो मैं तुम कह रहा हूँ, हर चीज कुरान में चाहिए। अरे हर चीज कुरान में नहीं होती भाई, मैंने बताया ना। रुको, अभी तुमने बोला कि इब्ने कतीर जो है वो अल्लाह नहीं है और इब्ने कतीर जो है वो पैगंबर नहीं है। अब हाँ, बिल्कुल पैगंबर बन गया, नंबर वन। नंबर टू, अरे भाई नहीं नहीं नहीं, जो सुने सुने, अब आपका डॉक्टर इसरार बन गया पैगंबर, कैसे बन गया कि यहाँ पे कुरान तो कहता है कदर की वजह से, क्योंकि हमने उसकी किस्मत में लिख दिया था, उसकी कदर में लिख दिया था कि वो पीछे रह जाने वाले में होगी, यानी कि उसका कसूर कोई नहीं था, वो सॉडमी नहीं कर रही थी बकौल आपके, वो लोंडेबाजी नहीं कर रही थी, उसकी तो कदर में लिखा हुआ था, ये कुरान है। अब आप कह रहे हैं डॉक्टर इसरार को कुरान से ऊपर रखूं, भाई सही बात है, सबकी तकदीर में जो लिखा है वो होगा ही। ओके, तो वो लड़की क्या कर रही थी, कुछ नहीं, उसकी कदर में लिखा हुआ था पीछे रह जाएगी। हाँ पर वो होता हमारे इख्तियार में, देखो हमारे इख्तियार में कैसे होता, अभी आपने कहा सारा लिखा हुआ है, अभी कदर की वजह से पीछे रह गई तो इख्तियार में कैसे हो गया। अब तुम तकदीर के कंसेप्ट पे आ गए यहाँ पे। मैं तकदीर के कंसेप्ट पे नहीं आया, एक सेकंड वापस रहे, कहीं नहीं जाना, और उसकी कदर में लिखा हुआ था कि पीछे रह जाएगी। बिल्कुल भाई, जो काफिर मरता है क्या वो पीछे रह गई थी, क्या वो पीछे रह गई थी, बिल्कुल। क्या उसका कोई भी दोष कुरान के अंदर लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। ओके, तो डॉक्टर इसरार को मानूं या कुरान को? नहीं, डॉक्टर साहब क्या कह रहा है, मैंने कहा आपने कहा ना डॉक्टर इसरार ने कुछ और बताया, मैंने कहा डॉक्टर इसरार को मानूं या कुरान को। तो तकदीर में उसके यही तो था कि वो उन लोगों को सपोर्ट करेगी, नहीं ये नहीं लिखा हुआ कि उन लोगों को सपोर्ट करेगी, ये लिखा हुआ पीछे रहने वाले हो जाएगी। अरे इसका मतलब तो ये निकलता है ना, तुम कैसे कैसे कर चीज को। अच्छा एक सेकंड, अच्छा पीछे रहवानों का क्या मतलब है भाई, पीछे पीछे रहवानों का क्या मतलब है, जिनके ऊपर अजाब आना है वो मतलब है, जिनके ऊपर अजाब आना है। मुझे ये बताइए कि कुरान में लिखा कुछ और है और आप उसकी लिखी के मतलब अपनी मर्जी का बनाएंगे, राइट? क्योंकि हर चीज का सेंस बनना जरूरी है। अच्छा सेंस बनाना, साहिल साहब सुने जरा, चूंकि सेंस नहीं बन रहा लिहाजा मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसे ही फिक कहते हैं। यूट्यूब शॉर्ट का मटेरियल, चूंकि सेंस नहीं बन रहा लिहाजा मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा और इसी को फिक कहते हैं। सुभान अल्लाह वल्लाह हबीबी, साहिल साहब सुना है आपने, मतलब ये लीपा पोती, फिक जो है वो लीपा पोती है गलत चीजों पर। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ और भी थोड़ी देर पहले भी आपने बताई थी यही चीज, और साहिल साहब ये मैं पहले बोल चुका हूँ, साहिल साहब ये देखिए कि इसके बारे में लोग कहते से बात करो, ये अपने आप को कह रहा था कि बाकी लोगों से बात क्यों करते हैं, उनको पता कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। एंड दिस इज हिज मेन आर्ग्यूमेंट। अब पता है क्या साहिल भाई, मैं आपको बताता हूँ इसको लोग पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि जब दूसरे लोगों के चैनल पर जाता है ना, ये हंसता है और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यार ठीक है यार मैं तो लॉजिकल पॉइंट दे रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, हंसने दो, मैं लॉजिकली इसको प्रूव करूंगा। यार जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, याद रखें इस बात को, इस्लामिक डिबेट का बेसिक रूल है मॉकरी करना। क्यों? जो मुसलमान होते हैं ना, जो सुन रहे होते हैं, उन्होंने वेरीफाई और वैलिडेट करने नहीं जाना होता, दे विल ऑलवेज लिसन के यार हंसा ना, हाँ हाँ देखा ना तुम्हें तो पता कुछ नहीं, ये स्टेटमेंट आ गई। अब इस स्टेटमेंट का आंसर क्या है, अगला आपको रेफरेंस देगा, वो रेफरेंस अगला नहीं सुनेगा, वो क्या करेगा, मुसलमान वाह जी वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। दिस इज हाउ दीज पीपल डिबेट, ये इनका बेसिक है। आप मेरा ये बात सुने और दुनिया के हर मुसलमान डिबेटर के चैनल के ऊपर जाएं, आपको जो 99% मेजर डिबेटर्स हैं जो के आउटसाइड देयर ओन रिलीजन डिबेट करते हैं, इनसाइड देयर ओन रिलीजन नहीं,
जो आउटसाइड देयर ओन रिलीजन डिबेट करते हैं, आप देखेंगे कि उनका ये बेसिक पोर्टफोलियो होता है कि दे आर गोइंग टू मॉक एवरी सिंगल सेंटेंस के अंदर. आपको याद है वो एक साइलेंट में एक बंदा आया था और भी हमारे पास इस तरह हंस रहा था और मैंने उसे किस तरह रोका था वहां पे. वो कहां से आया था मेरे ख्याल में इंडिया में, वो दूसरी किस जगह से आया था यार, वो भाषा से रहा था, मैं कहता हंसना बंद कर मौकरी जी. ये अफगानिस्तान वाला नहीं यार, वो दूसरा वाला था, वो इंडिया के किसी साथ वाली जगह से जिनको हिंदी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं आती लेकिन हंस रहा था बहुत ज्यादा, साउथ का. हाँ 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 तो वो सर ये इनका बेसिक गेम है यार. मैं हमेशा से समझाता आया हूँ, इसी वजह से सर डिबेट फोरम इनके याद रखो, ये मौकरी करें इनको वहां पे पकड़ो, और मौकरी पे हैदराबादी, थैंक यू सो वेरी मच, मौकरी पे इनको वैसी मौकरी करो कि जहां पे इनकी सुलग के हाथ में आ जाए और ये मौकरी करना बंद करें. वरना मुसला जब सुनता है ना तो वो मौकरी सुनता है और ही देखा इसने हरा दिया, इसने हरा दिया. लेकिन रेफरेंस के ऊपर ये लोग बात नहीं कर सकते. आप देखे पिछले 30 मिनट्स में इसने एक रेफरेंस नहीं दिया. ये किसने कहा बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल का भी रेफरेंस नहीं लेके आए, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी रेफरेंस एक भी नहीं दिया, और फिर अपनी बात को स्टेटमेंट को चेंज करता है. 3 दफा स्टेटमेंट चेंज कर चुका है ये बंदा. जी जुबैर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी यूट्यूब शॉर्ट मटीरियल. सर ठीक है भाई, आप ऐसा करें नेक्स्ट टाइम आए और रेफरेंस के साथ आइएगा, क्योंकि विदाउट रेफरेंस में आपसे मजीद बात नहीं कर सकता. भाई देखो बात यह है, तुम्हारा ये फुल टाइम जॉब है, तुम सब कुछ लैपटॉप खोल के बैठे हो, हर चीज तुमने नोट करके रखी हुई है. भाई अगर तुम कार्ड नहीं खेले 3 घंटे से, अगर तुम्हें नहीं नहीं यार बात तो सुन लो, अगर तुम्हें मुझे विक्टिम याद नहीं चाहिए भाई, विक्टिम याद नहीं करे मेरे साथ. 3 घंटे से अगर आप बैक स्टेज में बैठे हुए ना, तो आप लोगों को वहां पे लाइव चैट के अंदर पुश कर रहे हैं, एडम को कहो मुझसे बात करे, एडम को कहो मुझसे डिबेट करे, एडम को कहो मुझसे बोल. मुझे एक नहीं 100 लोगों ने चैट में कहा है कि इसको ले आओ. सुपर चैट रीड कर रहे थे, मैंने कहा था फिनिश कर लूं फिर आगे चलूंगा, आपकी वजह से वो रीड करना छोड़ा और आपको लिया. और आप मुझे कह रहे हैं 3 घंटे बैक स्टेज में बैठ के आपने एक रेफरेंस कलेक्ट नहीं किया कि आदमी मुझे विक्टिम कार्ड ना खेला करें मेरे साथ. हर दूसरा मुसलमान जब डिबेट हारता है विक्टिम कार्ड खेलता है. स्टॉप प्लेइंग विक्टिम कार्ड्स. कब आ सकते हैं मेरे साथ डिबेट करने, जब आप रेफरेंस के साथ आएंगे वो बताएं मुझे. हेलो जी, मैं नेक्स्ट सैटरडे को भी जो लाइव जाऊंगा वो मैं फ्राइडे को ऑन कर दूंगा. उसका टॉपिक जो है ना मैं फ्राइडे को लगा देता हूँ. नेक्स्ट सैटरडे को, फ्राइडे को रात के टाइम 9-10 बजे मेरे चैनल को वॉच कीजिएगा, आपको लाइव स्ट्रीम का टॉपिक नजर आ जाएगा. उस टॉपिक को पढ़ के फ्राइडे को टॉपिक लगेगा, 24 घंटे बाद नहीं तो 18 घंटे बाद वो लाइव होएगा. 18 घंटे आर मोर देन इनफ टू कैप्चर ऑल द रेफरेंसेस टू कम हैव अ टॉक. नेक्स्ट सैटरडे को जरूर आइएगा, लेकिन रेफरेंसेस के साथ आइएगा, ठीक है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग ऑलरेडी डिबेटर्स हैं इस्लाम के उनको ले आइए, डिबेट करो तुम्हें मजा आएगा. उनको ले आइए, नहीं ओपन चैनल्स हैं उनके भाई, इंटरनेशनल फोरम पे वो डिबेट. मेरा चैनल, ये मेरा चैनल ओपन था कि नहीं? अरे नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ कि उनकी ओपनली डिबेट होती है स्टेडियम में बैठ के. मेरा ओपन चैनल था कि नहीं? आप ओपन चैनल पे आए ना. अरे मैं कोई डिबेटर थोड़ा ना हूँ. तो जो है उसको भेज दो अगर आप डिबेटर नहीं हो. आते ही आपने कहा है कि जिनको पता है उनके साथ डिबेट करो. मैं ये कह रहा हूं सिंपल कि चल यार निकल यार. जब तू आया है तुमने आके 5 मिनट जहां पे ये चेचे खेला है कि जिनको पता नहीं है उनके साथ डिबेट करते हो, जिनको पता है उनके साथ डिबेट नहीं करते, मेरे साथ बात करो ना, मैं आया हूं ना. अब एंड में जब हर चीज तुम्हारी फिनीतो हो गई है तो अब तुम्हें चाहिए कि दूसरों के साथ डिबेट करो, तो भाई उनको ले आओ. दिस इज एन ओपन चैनल, लिंक लाइव चैट में होता है. अपने उस्ताद भी लाओगे रेफरेंसेस के साथ आने बोलना. अपने उस्ताद को ले आए, उस्ताद के उस्ताद को ले आए. साबित हो गया कि आपको भी अंब का पता नहीं है. थैंक यू सो वेरी मच. और आपके जब आए थे पहले 5 मिनट्स और ये लास्ट 30 सेकंड्स खुद देख लीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी. थैंक यू सो वेरी मच. चूंकि अब आपने इस टॉपिक पर बात नहीं करनी, नेक्स्ट सैटरडे की लाइव स्ट्रीम में फ्राइडे को लिंक आ जाएगा, रेफरेंस के साथ तैयारी करके आ जाइएगा, या अपने उस्ताद मोहतरम को ले आइएगा, मैं उनसे बात कर लूंगा रेफरेंसेस के साथ. मगर मेक श्योर अपने उस्ताद मोहतरम को कहिएगा, डिबेट करते हुए हंसेंगे ना तो भाईजान मैं ये नहीं देखूंगा कि वो उस्ताद हैं, बुजुर्ग हैं या क्या हैं. मैंने कहा इज्जत से बात करेंगे, मैं बहुत इज्जत से बात करूंगा, रिस्पेक्टफुली करूंगा. मौकरी करेंगे तो मेरे से ज्यादा मौकरी करने वाला कोई नहीं होगा. बहुत मेहरबानी जुबैर साहब आप आए.